तो ये मुझे लगता है इन्होंने कोई कार्ड दिया हमें अनलॉक करने के लिए। ये हमारी नई गाड़ी है, उन्होंने पहली गाड़ी मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस कर उन्होंने बहुत सही दी गई, हमें वही पार करना है। अभी हम कैरियर मोड खेल रहे हैं, इनके पास अलग अलग मोड है, मल्टीप्लेयर, माई क्लब, डेली इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स, लेजेंड पास। हम कैरियर ही खेलेंगे अभी, तो पहले हमारा अनलॉक कैरियर करते हैं और हम नई गाड़ी के साथ इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं ये नई गाड़ी हमें कैसे लगती है। अलग अलग मैप है, 1 2 3। गेम का ग्राफिक्स बहुत तगड़ा था, नेट्रो बहुत तगड़ा था, इन्होंने मोबाइल में गेमिंग कार गेमिंग को बहुत अलग लेवल पे है। ये हमारी कार की डिटेल्स दिखा रहे हैं लोग, गैस टैंक फुल इज, वो गैस टैंक का बेस है। तो ये मैप है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं दोबारा ये खेलता हूँ और आपको बताता हूँ। वेट, तो फ्रेंड्स ये 1.8 GB का है प्ले स्टोर पर, और इसके ग्राफिक्स और कंट्रोल्स देख के पता लगता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी क्यों है, इतना डाटा क्यों ये यूज़ करता है। बहुत टाइम बाद कोई बहुत अच्छा गेम है जो गेमिंग्स मोबाइल गेमिंग्स में बहुत सही चल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे सही लगे कंट्रोल्स इसके। तो हम दोबारा ट्राई करेंगे एक और गेम के साथ, ये कैसा चलेगा आप एंजॉय कीजिए आगे के वीडियो। तो फ्रेंड्स इनके प्रीमियम कार और बेसिक कार में डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगा मुझे, स्पीड के मामले में थोड़ा था, ड्रिफ्ट के मामले में था, डिज़ाइन के मामले में था, पर खेलने के मामले में नहीं था। कंट्रोलर बहुत सही थे इनके, ड्रिफ्ट बहुत सही गाड़ी मारी। ड्रिफ्ट में एक प्रॉब्लम थी, आपने देखा मेरी गाड़ी टर्न जा रही थी, कोई ज़्यादा प्रेशर से कर रहे थे तो हो जा रही थी, पर एज इन ड्रिफ्ट बहुत सही काम कर रहा था। तो एक गेम और खेलते हैं, अब देखते हैं ये बाकी में कैसे प्रोसेस करता है। चलिए
बहुत तगड़े हैं। मैं इस गेम्स को आप खेलता रहता हूँ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट में हम बताएं आपको कौन से नए गेम्स का रिव्यू चाहिए, हम एक बार आपके लिए वो रिव्यू बनाएंगे। ये तो हमारा बेसिक था, इसकी डिटेल्स भी आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं आपको अगली वीडियो। थैंक यू।